फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज वीडियो में सीखते हैं स्टेयर केस। अगर आपने जैसे देखा होगा कि जो फर्स्ट लैंडिंग है, जैसे आपका फ्लोर है, जैसे आपका रोड है, रोड स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपका रोड है, रोड से आपका प्लिंथ लेवल कितना है, ये आपका प्लिंथ लेवल हो गया, या फिर ग्राउंड फ्लोर हो गया जिसपे आप, ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, या फिर आपका ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर या फिर प्लिंथ लेवल इसको बोल सकते हैं आप। तो वो रोड लेवल से आपका ग्राउंड फ्लोर सपोज किए 3 फीट या फिर 2 फीट या फिर 3 फीट हो सकता है, ठीक है, या फिर आप कहीं पे भी किसी स्ट्रक्चर को आप मिनिमम किसी भी हाइट पर उठाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जगह आपको कितनी मिलनी चाहिए, ये जगह आपको कितनी आनी चाहिए, एंड इसमें कितने स्टेप्स आने चाहिए और कितने इसमें राइजर आएंगे, कितने इसमें ट्रेड्स आएंगे। तो मैं दोनों मतलब बताऊँगा, एक तो आपको ये हो गया, ठीक है, एक दूसरा आपका इसमें आपको क्या करना है, टोटल स्टेप्स में जैसे टोटल ही ब्रिक वर्क करना है, इसमें कोई लैंडिंग आप इसमें नहीं है, कोई स्टे, कोई वेट स्लैब नहीं है। और दूसरा केस का हमारे पास सामने आ जाता है इस तरह का कुछ, इसमें क्या होता है, इसमें एक आपकी वेट स्लैब होती है, ठीक है, सब आपके ये आपकी किस कंडीशन में हो सकती है, आपके डॉग लाइट स्टेयर हो सकता है या फिर सिंगल फ्लाइट स्टेयर केस हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको ये डिस्टेंस कितना चाहिए होता है, अगर आपके पास ये हाइट है तो हाइट मेंशन पहले से ही होती है, हाइट सपोज कीजिए 3 मीटर है, हाइट आपको पहले से मेंशन होती है, या फिर फर्स्ट लैंडिंग आपको लेनी है सपोज कीजिए 1.5 मीटर पे, तो 1.5 मीटर, ठीक है, अगर फुट में निकालना चाहते हैं तो 3.28 फीट से कन्वर्ट कर दीजिए, आपके फीट इंच में जाएंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद में देखेंगे हम, तो अगर आप कमेंट कर दीजिए, इसके बाद में देखते चलो। तो पहले हमें ये निकालना है कि हमारे पास ग्राउंड फ्लोर 3 फीट की हाइट पे है, ये जगह हमें कितनी चाहिए और ये जगह कितनी चाहिए। अगर मेंशन किया है हमारे पास उन्होंने, ये हमारे पास है 3 फीट, 3 फीट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंच के अंदर, कितने हो गया 36 इंच, ठीक है, ये आपके क्या निकल गई हाइट ऑफ फ्लोर की। राइजर हमें देना है 7 इंची का और ट्रेड देना है 10 इंची का। अब हमें इसको 7 इंची को इसमें डिवाइड करना है, 7 इंची के अंदर कितने स्टेप्स आएंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर्स ऑफ स्टेप्स, हमारे पास नंबर्स ऑफ स्टेप्स निकालना है, नंबर्स ऑफ स्टेप्स कैसे निकालेंगे, 36 इंच टोटल हाइट निकालेंगे, तभी तो हमारे पास ये वाले स्टेप्स आएंगे इस तरह के, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी है हमारे पास, 3 फीट कन्वर्ट करेंगे इंच के अंदर, तो कितना आता है 36 इंच। 36 इंच को हम राइजर कितने, एक राइजर की हाइट ले रहे हैं 7 इंची, तो 7 इंची से भाग कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है 7 इंची भाग करते हैं 5.14, इट्स मीन कि 7×5 35, आपके 35 इंच बन रहे हैं 5 स्टेप, ये आपका पॉइंट से ऊपर गया, तो 5 स्टेप हमारे पास बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स बन रहे हैं, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, तो अब 1 इंच को भी इन 5 स्टेप्स में अगर हम डिवाइड कर दे तो सपोज कि यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा, इसमें थोड़ा बढ़ जाएगा, इसमें भी बढ़ जाएगा, इसमें भी बढ़ जाएगा, तो ये टोटल लेवल मिल जाएगा। तो ये हाइट हमारे पास फर्स्ट राइजर की क्या आएगी, 7 इंच 1 सूत्र, देखिए कैसे आती है। तो 36 - 35 = 1 इंच, 1 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 1 इंच में होते हैं 8 सूत्र, तो अब हम 108/5 कर देते हैं तो 1.6 सूत्र होता है, तो ठीक है 1.6 सूत्र हो गया, तो 8 - 5 तो 3 सूत्र हमारे पास अभी बचते हैं। तो जो 3 सूत्र है, देखिए हमने सभी में 7 इंच 1 सूत्र को कन्वर्ट कर दिया, बचते हमारे पास 5 सूत्र, 7×5 35 इंच और 5 सूत्र, बचते हमारे पास 3 सूत्र इंच टेप के अंदर। तो इन 3 सूत्र को आप डिवाइड कर दीजिए, कोई से भी फर्स्ट स्टेप में ले लीजिए, चाहे तो आप फर्स्ट स्टेप में करना है आपको या फिर आपको लास्ट स्टेप में, तो ये लास्ट स्टेप कितने का हो जाएगा, 3 × 4 तो 7 7 इंची 4 सूत्र, कोई से भी आप से ले सकते हो, फर्स्ट वाला ले सकते हैं या लास्ट वाला, ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, ठीक है, तो 3 सूत्र आपको लास्ट स्टेप लेना है, 7 इंच 4 सूत्र या फिर नीचे वाला। उसके बाद हमें निकालना है नंबर्स ऑफ ट्रेड, अब हमें देखना है कि स्टेयर केस के अंदर नंबर्स ऑफ ट्रेड्स कैसे लगेंगे। अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ये हमारे पास आ गई फ्लोर, ये आपका फ्लोर आ गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, अब ये इसमें टोटल हाइट 3 फीट हो गया, कन्वर्ट कर दिया इंच के अंदर, तो हमारे स्टेप्स कितने बन गए, तो ये पहला जो राइजर बना हमारे पास 7 इंची 4 सूत्र, और ये वाला जो हाइट बनी हमारे पास, ये बनी है 7 इंची 1 सूत्र, ये भी, ठीक है, और ये भी हमारे पास
और ये भी हमारे पास, ठीक है। ये तो आपको हाइट क्लियर हो गई, जब भी स्टेप करते जाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। अगर इसमें भी तीन डिफरेंस बनता है, ये वाला होता है तो इसमें तीन सूत्र एक्स्ट्रा है, तो इन तीनों में पहले तीनों स्टेप्स के अंदर डिवाइड भी कर सकती हूँ, लास्ट का आपके पास यही रहेगा। तो ये वाला कितना हुआ, दो। तो ये भी कितना हुआ, दो। कितने बचे हमारे पास, चार थे ना, तो एक दो तीन चार, तो इनमें डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए भी दो हो जाएगा। तो दो चार दो छः, छः एक इसमें हो गया सात, और एक ही गया आठ, क्लियर। एक दो दो चार दो छः दो आठ, क्लियर। तो एक इंच एक इनमें डिवाइड हमने कर दिया है ताकि बराबर नजर आ जाए, क्लियर हो गया। अब हमें देखना है ट्रेड्स, ये ट्रेड्स कितने आएंगे और ये हाइट लंबाई कितनी कैसे निकाली हमने। तो ये लाइक हाइट निकालने के लिए ये वाली कितने आएंगे वो देख लेते हैं। नंबर्स ऑफ ट्रेड, ये वाला ट्रेड इसको बोलते हैं, ये हमारे पास है ट्रेड, ठीक है। तो 5 माइनस 1, नंबर्स ऑफ राइजर्स कितने थे 5, और माइनस 1 कर देंगे तो कितने बचते हैं 4 नंबर्स। तो लेंथ ऑफ ट्रेड, लेंथ ऑफ टोटल ट्रेड की लेंथ हमें निकालना है, टोटल ट्रेड्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हमारे पास 4 नंबर्स ऑफ ट्रेड निकल गए और टोटल लेंथ कितनी है 4, 4 × 10, एक ट्रेड की जो लेंथ है 10 इंच है, तो कितना हुआ 40 इंच। तो ये हमारे पास निकल कर आ गई यहाँ से यहाँ तक का 40 इंच, 40 इंच को कन्वर्ट कर लीजिए अगर फिट के अंदर, तो सिंपल 12 से भाग कर दीजिए, 12 × 36, 12 × 36 और समथिंग कुछ आ जाता है, ठीक है। तो 0.33 को 0.333 आ जाता है, तो उसको गुना कर लेते हैं सिंपल 12 से इंच में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आपके पास 3 फीट 4 इंच आ जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं 40 इंची में। तो हमारे पास ये लेंथ आ गई, ये लेंथ अब हम क्या करेंगे, इस वाले डिस्टेंस से 3 फीट 4 इंच डिस्टेंस से मेजर करेंगे। तो पहला स्टेप स्टॉप कर देंगे, तो इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। कोई भी कहीं पे भी स्टेप्स बनाने से पहले एक आप खुद से एक स्ट्रक्चर बना ले, कि डिजाइन सा बना ले कि आपको कितनी हाइट राइजर की आती है, क्या लैंडिंग की आती है, क्या टोटल लेंथ आ जाती है, ठीक है। तो मेरा पर्पस यही था कि कोई भी स्टेप चलाने से पहले आपको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर्स ऑफ राइजर आ रहे हैं, कितने नंबर्स ऑफ राइजर्स आ रहे हैं, कितने नंबर्स ऑफ ट्रेड आ रही है, और हाइट, इसमें हाइट भी मेंशन करनी है आपको कि हाइट कितनी आ रही है ट्रेड की, ट्रेड की हाइट, सॉरी राइजर की, राइजर की हाइट कितनी आ रही है। जैसे हमारे पास आया था यहाँ पे 7 इंच 2 सूत्र, 1 2 3 के अंदर, तो 2 4 6 8, तो इसमें ले लेते हैं पूरे 8, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो एक मेंशन कर लेते हैं। या फिर सबसे पहले कोशिश करना है सबसे पहले में ही कब कन्वर्ट कर दिए, या फिर लास्ट वाले में, ताकि जो ये स्टेप्स हैं आपके बराबर नज़र आए, ये भी आपके बराबर नज़र आए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको कि जो लैंडिंग होती है इस तरह से, इसमें आपकी वेट स्लैब है, तो इसमें टोटल स्टेप्स कैसे आएंगे। फर्स्ट इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें हमेशा नंबर्स ऑफ राइजर बराबर होंगे, नंबर्स ऑफ ट्रेड बराबर होंगे, नंबर्स ऑफ राइजर, नंबर्स ऑफ ट्रेड, नंबर्स ऑफ स्टेप्स, ठीक है। नंबर्स ऑफ राइजर, नंबर्स ऑफ ट्रेड, नंबर्स ऑफ स्टेप्स, इसमें नंबर्स ऑफ आते हैं, बिकॉज जो लास्ट वाला, जो ये लास्ट में स्टेप्स आता है, ये आपका लैंडिंग के लेवल पे चले जाता है, तो ये गिना नहीं जाता है, बट लेकिन पॉइंटिंग में नंबर्स ऑफ ट्रेड आता है, बिकॉज यहाँ से आप स्टार्ट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेप भी आपको ब्रिक वर्क में करना होता है, ये भी आपको स्टेप ब्रिक वर्क में करना होता है, ये स्टेप जो है आपको ब्रिक वर्क के अंदर करना होता है। तो इसलिए जो ये लेंथ आप निकालेंगे, तो यहाँ से निकाली आपने, बट कंडीशन में क्या कहता है, लैंडिंग को छोड़कर जो लेंथ निकलती है आपकी यहाँ से निकलती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने निकाला था 40 इंची, तो यहाँ पे ना 5 माइनस नहीं करना है, तो 5 × 40, 5 × 10, तो 10 × 5 = 50, तो ये 50 इंच आएगी, और ये आपके 36 इंच आ गया, 4 × 12 = 36 इंच, ठीक है। 3 फीट था ये, तो कन्वर्ट करने के लिए 36 इंच, तो ये आपका मेंशन इस तरह से होता है, अगर आपकी वेट चले हुआ आपने इसमें कोई गिवन दी है तो, ठीक है। तो ये आपको ब्रिक वर्क के अंदर ही करना होता है। तो बस मेन पर्पस यही था आपको क्लियर करने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, मिलते रहेंगे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।